हेलो एवरीवन, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। यानी जो हमारा वाटर है वो क्या हो गया, कॉन्टेमिनेटेड यानी दूषित हो गया, किससे हो गया है, क्लोरोफॉर्म से। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, यानी कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, जिनसे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब वो कैसा बन गया, कार्सिनोजेनिक इन नेचर। लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन बता रहे हैं कि वाज 15 ppm बाय मास, यानी मास से क्या है लेवल ऑफ कंटामिनेशन 15 ppm। ppm का मीनिंग समझते हैं क्या है यहाँ पे, तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स और p का मतलब पर, m का मतलब मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। यानी अगर हम बात करें एक पार्ट की, तो एक पार्ट मौजूद है किसके, पर मिलियन। पर मिलियन कितना होता है, मिलियन होता है 10^6 में। अगर हम बात करें 15 पार्ट, तो 15 पार्ट ऑफ 15 ppm, तो 15 ppm का मतलब क्या है, 15 ppm का मतलब यहाँ पे ये है कि 15 पार्ट्स जो मौजूद है, अगर हम मास का देखें, मास से देखें, उसमें लिखा है बाय मास, 15 पार्ट्स कह लें या 15 ग्राम कह लें, किसमें मौजूद है, 10^6 में, 1 million में मौजूद है ना। तो यानी इसको हम क्या देख सकते हैं, 10^6 यानी मास से। अगर 10^6 मास ऑफ कंपाउंड है, तो 15 मास किसका मौजूद है, क्लोरोफॉर्म का मौजूद है। ठीक है, ये हमको पता चल गया इससे। अब हमें क्या कह रहा है, हमें आगे कह रहा है कि पहला लिखा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस दिस परसेंट बाय मास। हमें इसे निकालना है मास परसेंट में। हम जानते हैं मास परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मास परसेंट इक्वल टू होता है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड। तो मास कितना दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है इनटू 100। परसेंटेज निकाल लें तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हमें क्या दिया हुआ है कि 15 मास मौजूद है क्लोरोफॉर्म का पर मिलियन। मिलियन कितना होता है, 10^6। ठीक, परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज निकालेंगे, 15 10^6 ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 15 × 10^6 × 10^2। ये 10^6 किस में हो जाएगा, माइनस में। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड। पावर देखिए कैसे ऐड होगी, 10^-6 है और 2 क्या हो जाएगी, ऐड। तो 10+2 ऐड कर दिया हमने, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 10^6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 6 बड़ा है तो 6 का साइन लग जाएगा, -4। यानी कितना आ गया, 15 × 10^-4। इसे और हम कैसे लिख सकते हैं कि पॉइंट को अगर हम क्या कर दें, पढ़ा लें यहाँ पे 1.5 कर दें, 10^ प्लस में बढ़ेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10^-3। ये आ गया परसेंट में हमारा मास। परसेंटेज क्या बता रहा है, 100 में। अगर 100 ग्राम 100 मास हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कंपाउंड है, तो उसमें 1.5 × 10^-3 कितना मौजूद होगा, क्या मौजूद होगा, क्लोरोफॉर्म। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये बताइए मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। हमें बताना है मोलैलिटी क्या होगी कंपाउंड की, तो निकालते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स मास इन kg, इन kg, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें दी नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास इन ग्राम
मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास हमें किसका निकालना है, क्लोरोफॉर्म के। तो क्लोरोफॉर्म का मास कितना दिया हुआ है, अगर हम 15 ग्राम माने, अगर हम मान लें उसको कि परसेंटेज जो हमने निकाला है 100 ग्राम, अगर हम मान लें सॉल्वेंट था हमारे पास और 100 ग्राम में हमने कितना डिसॉल्व किया हुआ है, कितना है हमारा 1.5 10 की पावर माइनस 3 ग्राम क्या मौजूद है उसमें, क्लोरोफॉर्म मौजूद है। क्लोरोफॉर्म ये मान सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज हमने निकाला है यही। तो क्लोरो मास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म का कितना है 1.5 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। मोलर मास क्लोरोफॉर्म का निकालिए 5 है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, Cl का कितना 35.5, कितने Cl हैं 3, तो 3 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये रहेगा 1.5 10 की पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन 12 वन 13 और 13 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 3 5 15 का 5 बनाया, 3 5 15 16 का 6 बनाया, 3 3 9 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 13 में इतना ऐड कर दिया कितना हो जाएगा 13 से कितना होता है 119.5। अब डिवाइड कर दिए 119.5 को, किससे डिवाइड कर दिए 1.5 10 की पावर माइनस 3 से, तो डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, हटा दिए पॉइंट, राइट। अभी क्या बचा है हमारे पास 119 और 5, इसको हमको डिवाइड करना है किसको 15 से, तो हमने क्या करा पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, अभी पॉइंट हमने यहाँ बढ़ाया है तो यहाँ 10 बढ़ाएंगे और 10 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब देखिए कितनी बार जा सकता है, तो यहाँ पे कितना है 1500, अब 1 बार जाएगा लिख लें यहाँ पे 1195, 10 में से 5 गया कितना बचा 5 बचा, और यहाँ बचा कितना 9 में से 9 गया कितना बचा 0, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, पॉइंट लगाइए ऑलरेडी 0 बढ़ा लेंगे एक हम, अब कितनी बार जाएगा, अब जा सकता है 2 बार, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, 2 5 10 का 0 1 आया, 2 9 18 01 कितना हो गया 19 का 9 1 आया, 2 1 2 01 कितना आ गया 3, 2 1 2, 0 में से 0 गया बचा 0, 15 में से 9 गया कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया कितना बचा 6, पॉइंट लगाइए ऑलरेडी 0, एक बार और चाहे तो बढ़ा लें, अब कितनी बार हो सकता है 3 9 27, 3 1 3 2 5 और 3 1 3, ये जा सकता है अप्रॉक्स कितनी बार जा सकता है 5 1 5, 6 1 6 ज़्यादा हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास, इसको हमने करा डिवाइड, ये आ गया हमारे पास 0.0125 10 की पावर माइनस 3। और मोलेल ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी क्लोरोफॉर्म। अभी हमें क्या निकालना था मोलेलिटी, तो मोलेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलेलिटी इक्वल टू कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है 0.0125 10 की पावर माइनस 3, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अभी कितना दिया होता 100 ग्राम, तो ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलिए कितना दिया था 100 ग्राम, ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलें कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 10 की पावर 3 ग्राम। तो अगर हमको ग्राम की जगह पे किलोग्राम रखना है तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो 1 अपॉन 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर लेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 3 किलोग्राम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ग्राम की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा 0.0125 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम, राइट। अब 1 किलोग्राम में आ गया हमारी वैल्यू,
अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा हमारा कि 10^-3, 10^-3 कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, कितना देगा 0.0125, 10^-3।